अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूरे एक महीने के बाद वीडियो बना रही हूँ। आज ही के दिन 17 तारीख को तबीयत ख़राब हुई थी कसवा की, और उसके बाद से मैंने कोई वीडियोस नहीं बनाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह कसवा ठीक है और हम सब भी खैर खैरियत से हैं। अभी बहुत टाइम के बाद कैमरा उठाया तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और बस मैं अभी बैठी थी, कसवा की शुगर चेक करूँगी। और अब तो कसवा स्ट्रॉन्ग हो गई है, खुद से कर लेती है ना। ये कसवा की शुगर चेक करने की मशीन रखी हुई है। अभी कसवा देखें अपनी शुगर खुद कैसे चेक करती है। और ये कसवा ने अपनी मशीन निकाल ली है। कसवा स्ट्रॉन्ग हो गई है मेरी बेटी ना। कसवा आपने एक महीने पहले भी यही वाला सूट पहना हुआ था जब आप हॉस्पिटल गई थी। अल्लाह वो दिन दोबारा ना लाए, और अल्लाह पाक किसी की ज़िंदगी में ऐसे दिन ना लाए कि अपने बच्चों को देके हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। तस्मी की बर्थडे थी 17 अप्रैल को। हम बड़ी प्लानिंग से निकले थे घर से कि चलो कुछ तस्मी के लिए सेलिब्रेशन करेंगे छोटी सी। और बस डॉक्टर क्या गए रिपोर्ट्स चेक करवाने, तो डॉक्टर ने कहा आप इसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाएँ, इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, ICU की पेशेंट है ये। तो बस फिर कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद स्ट्रिप निकालो, कहाँ से खुलेगा ये खुल गए। क्या करें, नहीं नहीं इसको ऑन करो, अपनी फिंगर पकड़ो ना जोर से। आ गया, और ये आइए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल आइए। कसवा आपने कुछ खाया हुआ भी नहीं है ना। चलो ये इसकी अभी की शुगर है खाना खाने से पहले की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। शुगर भी अल्लाह का शुक्र है, शुगर बिल्कुल इसकी नॉर्मल आई है। और अब मैं जाती हूँ किचन में, अभी मैं नमाज़ पढ़ के बैठी हूँ, और इंशाल्लाह अब अपने व्लॉग्स कंटिन्यू करेंगे जिस तरह से हम पहले बनाते थे। इस वजह से अभी बीच में मैं नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो गई थी कसवा की वजह से। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ना, कुछ अच्छा लग रहा था कि मैं कुछ बनाऊँ या कुछ करूँ, लेकिन कब तक अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है और बच्ची को भी आगे बढ़ाना है तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। और अब तो कसवा को भी मैंने सब कुछ बता दिया क्लियर कि बेटा ऐसा ऐसा मसला है, आपने यहाँ यहाँ पे इन इन चीज़ों से परहेज़ करना है। तो अल्लाह का शुक्र है, उसे भी समझ में आ गया कि कौन सी चीज़ उसके लिए नुकसानदेह है, कौन सी हेल्दी है, हेल्दी फूड्स वगैरह वो लेती है। तो बस अपने ब्लॉग्स कंटिन्यू करेंगे और आगे चल के देखते हैं अभी अभी क्या बनाते हैं। ये स्ट्रिप फेंक दो, डस्टबिन में डाल दो। तो देखा होगा आप सबने ये वीडियो, ये थी तकरीबन एक महीने पहले की वीडियोस थी थोड़ी थोड़ी सी, और किस तरह से बस इसका हम चेकअप करवाने गए थे और इसकी रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर ने बस कहा कि आप इसे फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाएं। तो समझे एक कयामत हम पे टूट पड़ी थी, बस कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। फ़ौरन इसको लेकर गए और बस इसको शिफ्ट किया है ICU में। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चालू हुआ है जो, तो तकरीबन 8 से 9 घंटे लगे थे इसको रिकवर होने में। और मैं बस पूरी रात इसको देख रही थी और इसको पढ़ पढ़ के दम कर रही थी कि बस अल्लाह मेरी बच्ची को जल्दी से जल्द ठीक कर दे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तस्मी की सालगिरह भी थी उस दिन, बड़ी प्लानिंग से निकली हमने का चलो थोड़ी सी बच्ची को, बच्ची की बर्थडे थोड़ी छोटी सी सेलिब्रेट कर देते हैं, और कसवा थोड़ी तबीयत से कसवे की बेहतर हो जाएगी तो कहीं बाहर जाएंगे बच्चों को लेके। लेकिन सारी प्लानिंग हमारी इस तरह तेल हो गई। खैर इंशाल्लाह अब अपने ब्लॉग्स कंटिन्यू करेंगे, एक महीने बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और इसी तरह से जो है ना, मैंने सब कुछ बनाना छोड़ दिया था ना, कुछ अच्छा लग रहा था ना कहीं जाना आना कोई भी वीडियो बनाना, लेकिन नहीं मैं बनाऊँगी अब
क्योंकि अल्लाह का शुक्र है बच्ची मेरी ठीक है और उसे भी पता है उसे क्या मसला है, तो वो ख़ुद भी अपने आप पे बहुत कंट्रोल करती है बहुत हर चीज़ को लेके। तो चलें आगे के ब्लॉग्स अपना कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं अभी क्या करते हैं। और ये कसवा हमारी देखें क्या बना रही है आज, ये तस्मिए की फरमाइश पे ये बने हैं और कसवा काम कर रही हैं। कसवा ये बर्तन भी धोने हैं, धो लोगी? बेटी को बहुत शौक है काम करने का, जो सॉफ्ट हो जाए ना बस उनका पानी निकालो, जो थोड़े से कड़क लगे उनको थोड़ी देर छोड़ दो डिप करके ना, सही है। देखो कड़क ही, अभी किचन भी समेटना है, सफाई भी करनी है मुझे तो। ये आज रजा का केक है, ये आज आदिल की बर्थडे है। छोड़ो बेटा छोड़ो छोड़ो, हमने बाबा नहीं मारता है, तो मार ही नहीं सकता है, चैलेंज करता हूँ, चैलेंज चैलेंज करता हूँ।